वेलकम सिंप्लीफिकेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन का सेट लिया है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन का सेट है ये 7 जनवरी 2017 को इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं उसी की एक अगली कड़ी है। हमारे कई स्टूडेंट्स का ये मानना होता है और उन्होंने कमेंट भी किया है कि जो एग्ज़ाम हो जाते हैं उनके पेपर सॉल्व न किए जाएं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पेपर सॉल्व किए जाएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही रियल में क्वेश्चन होते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आगे एग्ज़ाम होने वाला है, 1 साल पहले एग्ज़ाम हुआ है, 10 ईयर्स पहले क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन का नेचर एक है। क्या 10 साल पहले, क्या 20 साल पहले, मुझे तो कोई अंतर ही नज़र नहीं आता। जो चैप्टर का कंसेप्ट होता है उससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। इसे तो मैं बार बार प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एग्ज़ाम आपने नहीं दिया था तो आप अभी तक क्या पढ़े थे, और ये एग्ज़ाम दिया उसमें जो क्वेश्चन आए उसको देखने का आपका नज़रिया कैसा था। आज मैं इसी दृष्टि से इस सेट को लूँगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वाहियात नहीं होते, वो प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन नहीं होते, वो आपसे कुछ जानने के लिए होते हैं। कोई कैलकुलेशन, कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए होते हैं, और इस बार भी ये प्रूफ होगा। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वहां है, मैं सॉल्व यहां करूंगा। देखिए ये है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले सॉल्व कैसे करेंगे। 3/4 में 1/4 लेस हुआ तो 2/4 यानी हाफ, 3 में 1 लेस हुआ तो 2, 2 and 2 4 एंड हाफ, हाफ का मतलब 3/6, 1/6, 4/6, 2/3 आंसर। 4 and 2/3 इज द आंसर, नन ऑफ दीज। 4 and 2/3 इज द आंसर, यानी कि नन ऑफ दीज। ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ ये तो जानना जरूरी है ना। कोई पहली बार भी देख रहे होंगे उन्हें भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने ऐसा लिया कि ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। देखिए देखिए देखिए, ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये 5 - 1 4 हुआ कि नहीं, यही 4 है। ठीक है, मैंने दूसरे तरह से लिया पर लिया यही। जब प्रैक्टिस होगी तो आप भी इसकी चिंता नहीं करेंगे, ले लेंगे। तो ये हो गया, 4 हो गया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा 1/6 प्लस 3/4 माइनस 1/4, ये बचा। 3 ठो आम में 1 ठो आम, 1 ठो आम सड़ गया, 2 ठो आम बचा। 3x में 1x चला गया, 2x बचा। 3 1/4 में 1 1/4 चला गया, 2 1/4 बचा। 2 ठो 54 को क्या बोलते हैं, 1 ठो 58 बोलते हैं, 1/2। 25 पैसे वाले 1/4 रुपी के क्वाइन को अगर डबल कर देंगे तो हाफ रुपी का एक क्वाइन बनेगा कि नहीं, ये सब मन में बनना चाहिए। और इस हाफ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3/6 बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं। इसका मतलब 3/6 हुआ, ये तो 1/6 है। 3 ठो आम, 1 ठो आम, क्या 4 ठो आम न हुआ, न हुआ, न हुआ, क्या 2/3 नहीं हुआ। 1/6 3 pieces, 1/6 1 piece 1/6,
मिलके क्या 4 pieces 1/6 ना हुआ ना हुआ ना हुआ 2/3 4 and 2/3 द आंसर। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए और इसका बड़ा पार्ट मन में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं 36,251 + 43,261 = what + 52,310। देखिए मैं फिर से लिखता हूं 36,251 + 43,261 = what + 52,310। पैसा दिखना चाहिए, दिखेगा तो दे सकेंगे यानी एक्सपेंड कर सकेंगे, दिखेगा तो ऐड कर सकेंगे, अर्न कर सकेंगे, दिखेगा तो ऑपरेट कर सकेंगे। कैसे ऑपरेट करेंगे आइए देखता हूं। ये क्वेश्चन मार्क यहां है ना, इनको ऐड करके लेस करना है ना, 52,000 देना है ना, या 52,000 इसको जाके इधर लेस करना है ना। आपको 52,000 चाहिए, आपको 52,000 चाहिए, अभी देता हूं, अभी देता हूं। मेरे पास 43,000 है, 9,000 मैं यहां से दे दूंगा ना, मेरे पास 27,000 रह जाएगा ना। 310 दीजिए, अरे देता हूं ना, देता हूं ना। 250 और 60 क्या होता है, 310 ले जाइए ना, 202 इज आंसर, 27,202। नहीं आया समझ में? पैसे नोट्स 1000 के रूप में दिखते हैं, कभी 100 के रूप में भी दिखेंगे। नहीं समझे, ये 52,000 देना था ना, हमने कहा 43,000 तो मेरे पास यहां है, ये पहले ले लीजिए, 9,000 और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ठीक है 36 में 9 ले लीजिए ना, 27,000 रहेगा, 27,000। ऐसा करने से पता है क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसा 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 27,000 हो गया, 1000 हो गया, रहने दीजिए, जीरो क्या लिखना, हो गया। इसके बाद 310 देना था, तो इस पॉकेट में हाथ डाले तो मेरे पास 251 था, 251 था, तो मैंने यहां से 50 निकाल लिया, 60 निकाल लिया, ये 60 निकाल लिया, तो 201 है, 60 निकाल लिया, कहा 251 और 60 ले जाइए ना भाई, 310 ले जाइए, 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 60 ले जाइए, क्या बचा 1, यहां 1, और क्या बचा 201, 202, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन ऐसे ही होना चाहिए, कैलकुलेशन ऐसे ही होना चाहिए, समझ गया होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए, थर्ड बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपकी किसी न किसी विशेषता को टेस्ट करते हैं, आप कैलकुलेशंस में क्या देखते हैं ये है। देखिए मैं कुछ देखता हूं, मुझे दिखता है कि ये 7.5 है, 15 कर दूं, 15 करने से ये 2.67 हो जाएगा, इसको डबल करके इसको हाफ कर दूं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, क्या ये 300 नहीं है, 4500 नहीं है, 4500 नहीं है, 33 × 15 करना है, 11 है, 11 तो 15 × 3 तो 45 होता है, 495 को लेस करना है, 4005 आया ना, 4000 को 61,000 में लेस किए तो 57,000, और 262 and 5, 267 को 800 में लेस किए तो 533 आया आंसर, 57,533 इज द आंसर। समझ में आया?
मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा देखिए डिटेल देखिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, 1/2 है, यानी 7.5 है। हमने इससे 2 निकाल लिया, 2 निकाल लेने से ये 267 हो गया, और 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब 15 × 267 करना था, हमने इसको लिखा 300 − 33। बस इतना लिखते ही बाकी कैलकुलेशन तो मन में होता है। ये हुआ 4500 और ये 33 × 15 हुआ। दोनों ही सुंदर नंबर है, 15 से भी किसी को मल्टीप्लाई करना आसान है और 33 से भी आसान है, क्योंकि 3 उसका एक फैक्टर है। तरह तरह से कर सकते हैं, देखिए 15 × 33 को तरह तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं 15 × 3 × 11, क्योंकि हमें आता है 45 × 11 करना, 495। एक तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं कि 33 बड़ा सुंदर नंबर है, अगर हम इससे 3 निकाल लें ना तो 99 हो जाता है, 500 से 5 कम, नहीं समझे। देखिए देखिए देखिए, 500 से 5 कम, 495। तरह तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप कैलकुलेशन करें। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमें सब ऐड करके जमा नहीं करना है, हम लोगों को ये क्वेश्चन मार्क यहां आना था, इस पूरे को उधर लेस होना था, तो 4000 को लेस कर दिए 61 में, तो बचा 57000। फिर 267 को 800 में लेस किया, 300 बोलिए तो 500 और 67 है तो 33, ऐसे करके लेस करना है। बोलिए समझ में आया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ होता है, अगर ये प्रैक्टिस पेपर होता तो कुछ नहीं होता, फिर मल्टीप्लाई करते रहिए, फिर मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है तो वाहियात नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस पेपर के अगेंस्ट में बोलता हूं। देखिए तो देख के लग रहा है कि बाप रे क्या करें, कुछ तो दिखता ही नहीं है, क्या कैसे मल्टीप्लाई कर ले, आंसर देख रहे हैं, आंसर भी देख रहे हैं कैसा वाहियात टाइप का है, लेकिन कुछ तो है, एग्जाम का क्वेश्चन है तो कुछ तो है, कुछ तो रहेगा, डाटा टेढ़ा लग रहा है लेकिन कुछ तो लगेगा। जरा देखी तो देखी तो 72% ऑफ 486 है, अगर हम लोग 64% ऑफ 486 ले लें तो फट से लेस कर देंगे 64% ऑफ 225 और फिर बचा 8% ऑफ 486। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा इसको करता हूं, पहले इसको कैलकुलेशन कर लू, 64% ऑफ 225, ना 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 ना, 225% ऑफ 64, ऐसे करना हम लोग पसंद करते हैं। अगर पसंद आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो बोलिए 16% ऑफ 900 144। बोली 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 है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और ये लेना है हमें 8%, कैसे ले, अरे 500% लीजिए ना पहले, 40 होता है तो, बाकी 12% लेना है, 112 होता है, ये तो है, ये तो है, ये तो लेस कर देंगे, बस 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 बस। ये हुआ 184 में 2 लेस कीजिए तो 182.88 is the answer. 182.88 is the answer. मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम लोग फिर से बात करते हैं। आइए मैं इसे दिखाता हूं कैसे हुआ, हाँ डिटेल। सबसे पहले ये जो 72% ऑफ 486 लिखा है, इसे हम 8% ऑफ 486 लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 64% ऑफ 486 लिखते हैं, और माइनस 64% ऑफ 261 है। अब आप मुझे बताइए, ये वाला कॉमन आकर के 486 माइनस 261 होके 225 होगा कि नहीं, और फिर 64 को हम लिखते हैं 16 × 4, 4 को यहां ले आते हैं क्योंकि ये 900 होता है,
और 900% ऑफ 16, 16% ऑफ 900, 16 × 144, 16 × 9 = 144, बताइए तो कितना सुंदर क्वेश्चन था। देखने में लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये हम लोग को फिर देखिए, ये 8 से इसको कौन मल्टीप्लाई करे, कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, एक या तो आप डायरेक्ट निकालिए, नहीं तो मत निकालिए, छोड़िए। सुनिए, हम लोग 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो अगर ये 500 होता तो 8 × 5 = 44,000 होता, 4000 × 14, 14 × 8 = 112, ये कम है। और 2 और इसको लेस मत कीजिए, या कर दीजिए आपकी मर्जी, जैसा मर्जी आप इसको लेस कर देंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए लेस मत कीजिए, बस बस बस, क्योंकि परसेंट लेना है ना, नहीं समझे, 8 × 486/100 है ये हमारे दिमाग में है। हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, ये हुआ 4000, ये हुआ 112, और फिर लेस नहीं करते हैं, ये इतना सुंदर 40 बर्बाद हो जाएगा। अरे 1 रुपया 12 पैसा देना है तो हम 4 रुपये में से देना पसंद करेंगे ना भाई, ये 40 और 140 180 को रखेंगे ना, और 4 में से 1.12 देंगे तो बचेगा ना 2.88। नोट सुंदर सुंदर बना के रखना है, बर्बाद नहीं करना है। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कैसे नहीं है। सवाल यह है कि जब आसान क्वेश्चन आता है तो आप खुश हो जाते हैं, मैं वहीं पर आपको टोकूंगा, खुश क्यों हुए, 10 सेकंड लगा, अरे इसको 5 सेकंड में बनना चाहिए था, क्यों लगा 10 सेकंड, यही सोचने का विषय है। ये तो 2 है, ये तो इनटू होगा, इसलिए सवाल इसका है, सवाल इसका है, सवाल इसका है, 12 से कटेगा ही कटेगा, कट दिया। अब 62 से 122 को मल्टीप्लाई करना, नहीं जी, 124 को 11 से मल्टीप्लाई करना, करना 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 करना। बेसिक कैलकुलेशन जो आप पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट को लगता है बहुत एडवांस पढ़ना है, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है जब कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल बात हो रही होती है तो बीच में कुछ ना कुछ टपक जाएंगे, कमेंट कर देंगे ये ना 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 ये सब एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में तो आसमान से आता है, आसमान से आ रहा है, कोई क्वेश्चन आसमान से नहीं आता, सब कुछ धरती पर ही रहता है, जो चैप्टर का मूल डेफिनेशन है उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, यहां इतने कैलकुलेशंस हुए सब में तो वही बात है ना, 11 से मल्टीप्लीकेशन करने नहीं आएगा तो कैसे कर लीजिएगा, बताइए तो कैसे कर लीजिएगा, 11 से कहां पर सीखिएगा, बेसिक कैलकुलेशन में इतने सारे कैलकुलेशंस हुए, 500 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सीखेंगे, 5 यूनिट प्लस पर होगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सीखेंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूं जाइए बेसिक कैलकुलेशन का पूरा एपिसोड देखिए, उसमें इतने सारे कैलकुलेशंस और उसके ट्रिक्स हैं, सब कुछ आगे देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, उस पर जब तक कमांड नहीं होगा यहां टाइम में सुधार नहीं होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन को पहले दिन बनाने बैठ जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं ये अंतिम चैप्टर है भाई, इसमें जो मैथमेटिकल स्किल यूज होता है वो पहले क्लास का है, आपको देखने में लगता है क्लास 4-5 वाला, अरे मन में करना है, ये लास्ट का चैप्टर है, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन लास्ट का चैप्टर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लास्ट का चैप्टर है, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पर कमांड कीजिए, उसके बाद ये ऑर्डर है आपका, बार बार मुझे ऑर्डर लिखना पड़ता है, सुन लीजिए, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन के सारे एपिसोड देखिए, उसके बाद सेकंड चैप्टर होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, थर्ड चैप्टर होगा पार्टनरशिप, फोर्थ चैप्टर होगा एवरेज, फिफ्थ होगा परसेंटेज, सिक्स्थ होगा सिंपल इंटरेस्ट, सेवन्थ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक आते आते मुझे जो भी बताना था टेक्निक्स मैं बता चुका, इसके बाद चाहे कोई भी चैप्टर पहले ले लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस ले लीजिए, टाइम एंड वर्क ले लीजिए, SCFLCM ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, DI ले लीजिए, लेकिन उतने चैप्टर 7 चैप्टर के बाद इन चैप्टर्स में आइए, और वो सारे चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल हैं,
इसलिए उन पर पहले कमांड हासिल कीजिए, तब रियल में आप यहां पर वो कैलकुलेशन कर पाएंगे जो जरूरी है। ये तो समझ में आ गया होगा, 62 इंटू 22 करना था, इसे हमने 124 कर दिया, इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लीकेशन आपको आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।